हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा मधुरिमा रेडिफाइन रेसिपीज चैनल। आज की हमारी रेसिपी है आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सभी को बहुत पसंद आता है। गर्मियों के दिनों में आम इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए आम की नई नई रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। और जब तक आम का मुरब्बा ना बनाया जाए तो समर अधूरा सा लगता है। एक बार यह मुरब्बा अगर बनाकर रख ले तो इसे एक दो साल आराम से यूज़ किया जा सकता है। बच्चे इसे टिफिन में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाते स्वादिष्ट आम का मुरब्बा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो कच्ची कैरी, धोकर साफ करके ले ली है, आधा किलो चीनी ली है, और 5 से 6 इलायची और एक छोटा जायफल का टुकड़ा इसका पाउडर कर लिया है हमने। सबसे पहले हमें इन आम को छील लेना है अच्छे से। छीलना इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम छीलेंगे नहीं तो ये आम का कड़वा टेस्ट मुरब्बा में आएगा और मुरब्बा टेस्टी नहीं बनेगा। इसे हमें छील लेना है अच्छे से, सावधानी से, पिलर की हेल्प से या चाकू की हेल्प से भी आप इसे छील सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसे धीरे धीरे हमें पूरा छील लेना है, जो इसका हरा पोर्शन है वो पूरा निकल जाए और एकदम हमें सफ़ेद आम छील कर तैयार करना है। और जो ये आम का जो नाक है ऊपर, उसे भी हमें निकाल लेना है, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, वो भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने सारे आम अभी छील कर तैयार कर लिए हैं। अभी हम एक ग्रेटर लेंगे और एक ग्रेटर से सारे आमों को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अभी इसे हम अच्छे से कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस हम इसे करेंगे अच्छे से बारीक, तो ये जल्दी से मुरब्बा बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमें चाहिए। इस तरह से हमने ये सारे आम अभी कद्दूकस कर लिए हैं। हमने अभी एक नॉनस्टिक पैन लिया है, वंडर शेप का ये नॉनस्टिक पैन है। इसमें कोई भी खाना बिल्कुल चिपकता नहीं है। इसे हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। अभी हम ये कद्दूकस किया हुआ आम इस पैन में डाल देंगे। इसे थोड़ा सा अच्छे से पैन में स्प्रेड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छे से। देखिए, इस तरह से अभी हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हमें आधा किलो चाहिए। हमें एक बार ध्यान रखना है कि जितना हम इसमें खट्टा ले रहे हैं उतना ही हमें चीनी डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इस तरह से। देखिए, अभी हम इसे थोड़ी देर तक मिक्स करते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और चीनी इसमें थोड़ा मेल्ट होने लगे। देखिए, अभी इसमें हम इलायची और जायफल का पाउडर डाल देंगे। मुरब्बा में इलायची और जायफल का पाउडर डालने से इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। देखिए, अभी हमारी चीनी थोड़ी मेल्ट होने लगी है। इसे अभी हम ढक देंगे और ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, अभी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इस ढक्कन को निकालेंगे। देखिए, कलर भी इसका अभी थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे जैसे ये आम पकता है वैसे वैसे इसका कलर बहुत सुंदर आता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है एकदम, और थोड़ा येलोइश कलर इसमें आता है। बहुत सुंदर इसका कलर लग रहा है। देखिए, अभी इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हमें इसकी चाशनी और थोड़ी गाढ़ी करना है, क्योंकि हमें इसे 1-2 साल के लिए रखना होता है। तो ये अच्छे से जब तक नहीं पकता है तब तक हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक चाहिए और थोड़ा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हम इसे करना है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए, अभी 2 मिनट हो चुके हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए, इसकी चाशनी भी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। हम इसकी चाशनी को थोड़ा आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसे उंगली लगाएंगे तो इसमें से तार निकलता है। तो अभी ये परफेक्ट हो गया है, एकदम बनकर रेडी है। अभी हम गैस बंद कर, ये जैसे जैसे ठंडा होगा और भी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए इसे अभी हमें और नहीं पकाना है। अभी इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हमारा मुरब्बा ठंडा हो चुका है, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे हम। देखिए, कितना थिक और जूसी बना है एकदम, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एकदम स्वादिष्ट आम का मुरब्बा बनकर रेडी हो गया है। इसे आप 1-2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को जैम, जेली, बाहर का हम देने की बजाय अगर घर का बना हुआ मुरब्बा अगर टिफ़िन में भी देते हैं पराठों के साथ, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। और इसमें कोई केमिकल्स भी नहीं है और हाइजीन से ही बना है, ये हमारे हाथों से ही बना है घर में, तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बना है।
इसे बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ही हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा हाई फ्लेम पर रख सकते हैं जब तक इसमें थोड़ा चीनी मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर ये थोड़ा सा भी जल जाएगा तो इसका कड़वा टेस्ट आएगा। और इसमें चीनी हमें आम की इतनी ही चीनी लेना है क्योंकि चीनी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जितनी हम इसमें चीनी डालेंगे उससे ये बहुत अच्छा रहेगा और एक दो साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं आप इस रेसिपी को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल का बटन दिया है उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।